बरोज हफ्ता रात 9 बजे और बरोज इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नगाड़ों का शोर, छलछलाती ऊर्जा से भरे भरे होली के दीवाने, नृत्य, संगीत और रंगों का अराजक सौंदर्य, ये नजारे हैं शाश्वत प्रेमियों की धरती ब्रज के। प्रेम और आत्मीयता का, फाग का, राग का, लाग का ये विलक्षण प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ही संभव है, जहां होली की मस्ती पूरे महीने भर रहती है। होली के मुख्य पर्व से एक सप्ताह पहले ये दिन है बरसाने की होली का, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का, जिसका आनंद लेने के लिए दुनिया भर से विशाल जनसमूह भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधे रानी के गांव बरसाने में पहुंचकर इस अद्भुत उल्लास का साक्षी बनना चाहता है। बरसाना, धरती प्रेम की, वो धरती जो सनातन प्रेमियों राधा और कृष्ण की कितनी ही लीलाओं और प्रेम क्रीड़ाओं की साक्षी रही है। हिंदुओं में ऐसी धारणा है कि राधा जी के एक इशारे पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना सब कुछ दांव लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तमाम परिभाषाओं और सीमाओं के बाद शाश्वत प्रेम की ऐसी मिसाल कि स्वयं ब्रह्मा भी उनकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए यहीं स्थित हो गए। यहाँ लोगों में ये धारणा है कि बरसाना स्थित ब्रह्मांचल पहाड़ दरअसल स्वयं ब्रह्मा जी ही हैं, और ब्रह्मा जी के चार मुखों के समान यहाँ चार पहाड़ियाँ हैं। प्रेम की ऐसी अनूठी मिसाल कि आज भी बरसाने के कण कण से राधे राधे की ही ध्वनि आती है। ये चारों धामों में से एक सबसे ही अच्छा धाम है, क्योंकि कृष्ण भगवान के जमाने से ही ब्रज को सबसे ऊंचा माना गया है। इसलिए ब्रज की रज भी अगर मनुष्य को लगे, वो भी उसके जीवन कल्याण का एक प्रतीक माना गया है। एक एक पेड़, एक एक पत्थर, यहाँ का हर जीव ये कहे, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या करी है, उन्होंने वरदान मांगा है कि हे प्रभु, हमें ऐसा कोई जन्म दे दो कि जिसे हमें गहवर वन का, बरसाने का, ब्रज का हमें वास मिले। ये हर पत्ता, हर लता, हर पत्थर यहाँ का तपस्वी है, ये पिछले जन्मों के गोपिया है, साधु संत है, जिन्होंने यहाँ हर चीज यहाँ की दिव्य है, चिन्मय है। वैसे तो संपूर्ण ब्रज क्षेत्र राधा कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति भाव से भरा भरा है, फिर बरसाना तो स्वयं राधा जी का गांव है, जहाँ प्रेम और आदर से यहाँ श्री जी और किशोरी जी न जाने कितने नामों से राधा जी को पुकारा जाता है। श्री जी उनकी सभी कामनाएं जो पूरी करती हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप हैं। उनके लिए प्रेम और करुणा का ही एक और नाम है श्री राधा। हमें बरसाने में आना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी होली हमने कहीं पे नहीं देखी, जितना आनंद हमने यहाँ पे लिया उतना आनंद हमें कहीं पे नहीं मिला, इसलिए राधा रानी की कृपा से जो लोग यहाँ पे आते हैं उसके ऊपर बहुत ही कृपा बरसती है। सभी भक्तजन विदेशों से, फॉरनर कंट्रियों से, आसपास के देशों से आते हैं और श्री राधा रानी का उत्सव बड़े धूमधाम से और लड्डू की बारिश करके, गुलाल की बारिश करके बड़े धूमधाम से हरोत्साह से उल्लास के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको, मतलब, और हम सोचते हैं हम हर साल मतलब होली देखना है यहाँ पर, तो सबको बताएं वहाँ पर इंदौर से, तो सबको लेके आए मतलब यहाँ पर कि वहाँ की होली देखो, लड्डू मार होली देखो कैसी होती है, क्या होती है, और आज के जो माहौल, जो गंदा माहौल है उसको ख़त्म करते हुए इस होली में शामिल होइए। रोजाना हजारों भक्त राधा का स्मरण करते हुए बरसाना गांव की परिक्रमा करते हैं, जहां राधा कृष्ण और उनकी सखियों से जुड़े कितने ही स्मृति प्रतीक हर जगह मौजूद हैं। कृष्ण भक्ति का स्पंदन यहां के कण कण में महसूस किया जा सकता है। आपस में अभिवादन का एक ही तरीका है, राधे राधे।
दरअसल भक्ति काल के दौरान संपूर्ण ब्रज क्षेत्र नारायण भट्ट, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि बहुत से संतों की साधना स्थली भी रहा है। आज भी ब्रज की धरती पर भक्ति आंदोलन से जुड़े सभी संप्रदायों के अनुयायी सहज ही नजर आ जाते हैं। इन सबको एक ही चीज जोड़ती है, राधा और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भाव। राधा और कृष्ण के प्रति पारस्परिक अनुराग कुछ ऐसा कि एक पल के लिए भी अपने प्रिय से दूर होने की बात तक सोचना असंभव लगे। राधा कृष्ण के भक्तों के लिए प्रेम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। This unique relationship is that what we see in this festival, that the devotees of a Lord come together to glorify the Lord, and they become mediums on behalf of the absolute truth. And it's a fact, we cannot limit the Supreme Lord. He likes to enter the form of his devotees to glorify himself. This is Braj. And this festival represents simplicity, honesty, and pure love, and loving relations. And coming from USA, South Jersey, and it's not like a ordinary love. It's from everything is from inside, and you cannot explain that love. That's what I have a word. This is very, it's come from inside. Whenever the music comes, it starts from inside, and they start to do the nritya. बरसाना के इस आश्रम में कृष्ण भक्ति में लीन कुछ युवतियां ऐसी भी हैं जिन्होंने आजन्म शादी वगैरह के बंधन में पड़े बगैर स्वयं को कृष्ण प्रेम के लिए समर्पित कर दिया है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का ही एक अनूठा उदाहरण है ब्रज की मशहूर 84 कोसी परिक्रमा। हजारों भक्त संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में फैले श्री कृष्ण स्मृति प्रतीकों के दर्शन करने के लिए एक महीने से ज्यादा की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 84 कोस की परिक्रमा के अंदर करीबन एक महीने से ज़्यादा समय लगता है, और ये 84 कोस में निकलते हुए मथुरा होते हुए डीग, कामा और नंदगाम, और जिसमें कृष्ण भगवान के समय की कुछ ऐसे धर्म स्थान हैं जिनके लिए लोग अपना नतमस्तक करते हैं और वहाँ पे कुछ समय के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं, और वहाँ आकर के उनकी पूजा याचना भी होती है। कहते हैं अपनी प्रेयसी राधा को मनाने के लिए स्वयं भगवान ने स्त्री का वेश रखा था। आज भी यहाँ बहुत से युवक स्त्री वेश में सजे धजे स्वयं को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पित मानते हैं, जबकि ब्रज क्षेत्र के बाहर ऐसा सोचना भी असंगत लगता है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति काल के दौरान बहुत से कृष्ण भक्त संतों ने भक्ति और प्रेम की एक खास चेतना का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि ब्रज क्षेत्र ही उनकी साधना स्थली था, इसीलिए यहाँ मौजूद बहुत से स्थानों को पुनर्जीवित किया गया, बहुत सी नई नई परंपराओं की शुरुआत की गई। सामाजिक समरसता के साथ साथ लोक जीवन में भक्ति और उल्लास को बनाए रखने के बहुत से नए तरीके खोजे गए। राधा और कृष्ण की लीलाओं की अनंत अद्भुत कहानियाँ ब्रज के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। ऐसी ही एक खास परंपरा है बरसाने और नंदगांव में खेली जाने वाली मशहूर लठमार होली। लठमार होली ये है कि जब ठाकुर जी ने अपने लीला में रंग की होली शुरू करी थी, जो आपने रात में देखा होगा, रंग की होली उन्होंने शुरू करी कि राधा रानी मेरे रंग में रंग जाए, कि राधा रानी गोरी है उसे मैं अपने रंग में रंग दूँ। तो जब राधा रानी को रंग दिया गया तो राधा रानी ने यह भी कहा था कि आगे याद रखना, किसी गोपी को छेड़ना मत, नहीं तो लट से होली होगी, और उससे बाद में फिर हमेशा लट से होली होती है। नंदगांव के सारे लोग यहाँ आते हैं और बरसाने की सारी गोपियाँ उनको लट से मारती है, वो ढाल लेके रहते हैं तो ढाल पे मारी जाती है नंदगांव के गोस्वामी और बरसाने की सारी गोपियाँ। लठामार होली द्वापर युग से चली आ रही है। जब भगवान कृष्ण और राधा रानी खेलते थे, यह प्रेम की होली होती है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी ने प्रेम स्वरूप खेली थी, उसी की हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। एक दिन पहले यहाँ के पे जो सखी थी वो भगवान कृष्ण के पास न्योता लेकर जाती हैं नंदगांव, और फिर वहाँ से उन नौते को स्वीकार करके वो यहाँ होली खेलने आते हैं, और फिर उनके ऊपर प्रेम की लाठियाँ हम राधा रानी की सखियाँ बरसाती हैं, और वो इस मार को सहन करते हैं और अपने ढालों पर झेलते हैं। इस
इस प्रकार यह होली तभी से आज तक चली आ रही है। खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। बसंत मौसम उत्सव और उल्लास का, सर्दियां अब बीत चली। कुल मिलाकर ये वर्ष का वो हिस्सा है जब वो जीवन को जी भर के जीना चाहता है। सब किसानों को टाइम मिलता है, उस समय इनकी फसल लहलाती होती है, अच्छी फसल होती है। इस खुशी में सभी किसान मिलकर के एक अलग ही अपना प्रकट करते हैं कि हमें यहाँ इतना खुशी हो रही है। सभी किसानों को और सभी आम पब्लिक को, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। किसान के पास में इस समय कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी फसल से पानी खाद दे करके कुछ समय के लिए फुर्सत होती है। 15-20 दिन बाद में फसल उनकी कटना चालू हो जाएगी और फिर अपनी फसल में लग जाएंगे। संयोग कुछ ऐसा कि आकाश में तारों का जमावड़ा भी आनंद और मस्ती के नक्षत्रों का प्रभाव सबसे अधिक लिए होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने का शासक है शुक्र, आनंद सुख और भोग का स्वामी नक्षत्र शुक्र। भारत में उत्सव और उल्लास का समय है और ये उल्लास सबसे अधिक मुखर होता है ब्रज में। शाश्वत प्रेम की धरती ब्रज, जिसे हिंदुओं के पवित्र चारों धामों से निराला धाम भी कहा जाता है, वो धरती जो हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा जी की लीलाओं और प्रेम क्रीड़ाओं की साक्षी रही है। हालांकि भारत में होली का मुख्य त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में तो ये बसंत पंचमी के दिन से ही आरंभ होकर लगभग पूरे महीने चलता है। अक्सर हमें रंगों का विशेष संयोजन, परिवेश की कुछ खास व्यवस्था अच्छी और सुंदर लगती है, पर क्या हुआ जो यहाँ रंगों की बेमेल फुहारें, अबीर गुलाल से चेहरों की ऐसी हालत कि पहचानना मुश्किल हो। ऐसी अराजक मस्ती मानो कुछ भी तो नहीं है जिसे व्यवस्था कहा जा सके, नृत्य संगीत के विधान में बांधा जा सके। यहां मर्यादाएं अपनी पहचान खो चुकी हैं। लोक रस के ऐसे प्राणमय दृश्य कि सभी परिभाषाएं मर्यादाएं और विधान धरे के धरे रह जाएं। यही है विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली के नजारे। अव्यवस्था और अराजकता में नहाई रंगीन छटा।
होली रंगों का वो निराला उत्सव जो प्रत्येक व्यवस्था को धता बताकर बस इस क्षण को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। ये मस्ती प्राणों से उपजती है, इसीलिए आत्यंतिक सौंदर्य से भरी भरी है, इसीलिए अद्भुत है, इसीलिए इसकी कोई मिसाल नहीं है। होली की इसी अराजक मस्ती को पटरी पर बिठाने के लिए लोगों ने अपने अपने कारण ढूंढ निकाले हैं जो उन्हें अपने गुरुओं और परंपराओं से मिले हैं। नंदगांव में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की संप्रदाय है और बरसाने में श्री नारायण भट्ट जी की संप्रदाय है। नारायण भट्ट जी श्री किशोर जी के परम भक्त थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भगवान श्याम सुंदर के परम वर्षक संत थे। उन्होंने अपने जितने भी शिष्य हैं उनको कृष्ण भक्ति सिखाई। नारायण भट्ट जी के जितने भी शिष्य हैं वो श्री किशोर जी के परम भक्त हुए। जब ठाकुर जी ने यशोदा माँ से कहा कि माता एक प्रश्न है मेरा, तो मैया ने कहा पूछो। तो जब मैया से ठाकुर जी ने कहा कि क्या प्रश्न है, तो कान्हा ने कहा कि मेरा इतना रंग काला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों है, ये क्या कारण है? कि ये कारण यही है कि हो सकता है तू आधी रात में आया था और तू उसमें प्रकट हुआ था क्या जेल में, हो सकता है इस कारण तेरा काला हो। तो अच्छा फिर ये कैसे हट सकता मेरा काला रंग जो कि मैं राधा के साथ में जोड़ी बन सकती है मेरी। तो उन्होंने कहा कि तू हो सकता है यशोदा मैया ने तो तू थोड़ा सा गुलाल राधा रानी को लगा दे जिससे कि उसका गोरापन थोड़ा दबेगा और तेरा श्याम रंग में मिल जाएगी वो। तो उन्होंने उसी से वहीं से होली शुरू हुई कि उन्होंने राधा रानी को गुलाल लगाया क्योंकि राधा रानी भी मेरी तरह हो जाए, बस होली वहीं से शुरू होती है। कि प्रहलाद के होली का दहन के बाद एक जो नीरसता फैली संसार में, तो उसको रस में कैसे बदला जाए, इसीलिए भगवान ने उसको रंग भरी होली का रूप दिया, स्वयं खेलने आए। वैष्णवों के लिए ये अलौकिक है क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। सच्चाई ये है कि होली के रंग सभी पहचाने भुलाकर एक आत्मीय और जीवंत चेतना को अभिव्यक्त करते हैं। होली के रंग जिस पर पड़े वही दीवाना हो गया। यूं तो होली सारे भारत का रंगीन त्योहार है, पर भारत भर में सबसे खास है सनातन प्रेमियों राधा कृष्ण की होली, ब्रज की होली। इनमें सबसे मशहूर है बरसाने और नंदगांव की लठमार होली। हालांकि प्रेम और आत्मीयता के प्रदर्शन की ये अद्भुत परंपरा बरसाने और नंदगांव में रहने वाले भट्ट अनुयायी गोसाइयों में ही है और उन्हीं के परिवार इस लठमार होली में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए हजारों श्रद्धालु यहीं इकट्ठा होते हैं। नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव, यहीं नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता। ये गांव राधा जी के गांव बरसाने से कुछ ही किलोमीटर दूर है। बरसाने की ही तरह यहाँ भी कृष्ण भक्तों का जमावड़ा है। नंदगांव की सड़कों पर उल्लास और मस्ती का माहौल है। बरसाने से नंदगांव का खास रिश्ता है। कहावत है बरसाने की छोरी नंदगांव का छोरा। बरसाने की मशहूर लठमार होली से एक दिन पहले नंदगांव के गोसाई बरसाने के श्रीजी मंदिर में पहुंचकर बरसाने की वनिताओं के साथ होली खेलने का निमंत्रण देते हैं। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी ओ पाणे लीला के क्रम में यहाँ पर ये सब जनसम्मर्द जो भेला हुआ है, एकत्र हुआ है, यहाँ समाज होगी गोस्वामी परिवार की और नंदगांव को पाणो ब्रज बरसाने आयो, उसके स्वागत में, उसके अभिनंदन में उसे अबीर मंडित किया जाएगा। उनका ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है। खुशी में भक्त एक दूसरे पर लड्डू मारकर अपने आनंद का इजहार करते हैं। इस घटना को बरसाने की लड्डू मार होली कहा जाता है।
इस अद्भुत नज़ारे को देखने विशाल हुजूम घरों की छतों और सड़कों पर इकट्ठा हो गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की जा रही है। हर तरफ फूलों की खुशबू और उल्लास की पुलक। I am enjoying to see the Latimar Hori and it's a very, very, very popular in whole world and that's what the very, you have, if anybody wants to enjoy this Rangili, you can come here in Barsana, Nandgaon and all the Vraj area. भक्ति, प्रेम और अपनेपन का ऐसा तर्कातीत प्रदर्शन सिर्फ ब्रज में ही संभव है। If you see in black and white, you will think, why are these ladies hitting their men? But actually, why does Krishna come to Braj? He likes action. He likes activity. He likes ras. So this is all a matter of ras, and it puts a smile on Kanhaiya's face. So in this way, beyond the black and white is the color of loving relationships. And this is a spiritual world. And this is why Krishna, he comes here in his bon leelas to experience that ras. पूरे साल भर के बाद हुरियारिनों को ये मौका मिला है, हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां लिए हुरियारों की पिटाई करने का मौका। हुरियारे अपनी ढाल से अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर मस्ती का आलम ये कि लगातार छेड़खानी, हंसी मजाक और प्रेमपूर्ण गालियों का आदान प्रदान जारी रहता है। लाठी खाकर भी हुरियारे हुरियारिनों के पैर छूकर उन्हें अपनी श्रद्धानुसार भेंट भी देते हैं। सामाजिक सौहार्द का ये अजीब वरीब तरीका दर्शकों को भी आनंद और श्रद्धा से भर देता है। कभी युद्ध का बिगुल बज जाता है तो योद्धा उस युद्ध की तैयारियों में तलवारबाजी या बंदूकबाजी उसके लिए तैयारी करता है। उसी प्रकार से जो हुरियारे होते हैं वो अपने ढालों की तैयारियां शुरू कर देते हैं और जो हुरियारिन होती हैं वो अपने डंडे वंडे और जो लठ की तैयारी है, जो भी उनको लठ को तैयार करना है, सजाना है, वो उनकी तैयारियाँ कर देती हैं। अगले दिन ठीक बरसाने की ही तरह नंदगांव में होली मनाई जाती है। इस बार बरसाने के युवक नंदगांव की वनिताओं के साथ लठमार होली खेलते हैं। एक दिन पहले जो बरसाने में हुआ वो आज नंदगांव में होता है। बस इस बार युवक बरसाने के हैं और युवतियां नंदगांव की। ब्रज की होली की अद्भुत छटा की एक झलक पाने के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों की ही तरह ब्रज क्षेत्र में भी अच्छी सड़कों और नागरिक सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। इतनी भीड़ और इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था के लिए यदा कदा कहीं कोई पुलिस वाला नजर आता है। लोगों का इतना बड़ा हुजूम आमतौर पर खुद ही अनुशासित रहता है। हालांकि होली की मस्ती है, सभी लोग अपनी मर्जी से नाचने गाने और रंगों का आनंद उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। छेड़छाड़ के बीच आत्मीयता का माहौल है। ब्रज की होली आत्यंतिक रूप से राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति और अटूट श्रद्धा से रंगी है। इतने विशाल आयोजन में कहीं कुछ अप्रिय नहीं घटता। कोई व्यक्ति शराब पिए नजर नहीं आता। देश के दूसरे हिस्सों से अलग यहाँ कोई अशोभनीय हरकत देखने को नहीं मिलती। ब्रज में चाहे लठमार होली मनाई जाए या गालियों की होली मनाई जाए या लड्डूमार होली मनाई जाए, ये सब उनके भावों को ही व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी भीड़ होते हुए भी, प्रचुर मात्रा में लोगों की उपस्थिति के बावजूद भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। जबकि होली हमारे भावों को अभिव्यक्त करती है, लेकिन ब्रज में इस तरह की भीड़ के बावजूद जहाँ की किसी प्रकार का प्रशासनिक या पुलिसीय प्रबंध नहीं रहता है, उसके बावजूद भी वहाँ मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाता है। यहाँ की होली में अबीर है, टेसू के प्राकृतिक रंग हैं, फूलों की सुगंध है और चेहरे आत्यंतिक संतोष और आह्लाद से भरे भरे। जीवन के प्रत्येक क्षण को जीवन की सभी आनंदमयी संभावनाओं से भर भर कर जीने का आग्रह लिए हुए।